स्किल को ध्यान से देखिए बेटा, जब इसको हम जूम करके देखेंगे तो आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग बहुत साफ साफ दिखाई देंगी। इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है आपको समझनी चाहिए, वो मेन स्केल तो सेंटीमीटर में है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन जो वर्नियर स्केल है ये, इसमें आप देखिए, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ज़ीरो दिखाई देगा, फिर यहाँ पे वन दिखाई देगा, इसके बगल में सिक्स भी लिखा है, टू दिखाई देगा आपको, इसके बगल में सेवन भी लिखा है, आपको थ्री दिखाई देगा, इसके बगल में एट भी लिखा है, ऐसे ही फोर दिखाई देगा, यहाँ नाइन लिखा है, एक फाइव और ये एक फाइव यहाँ पे है, उसके बगल में टेन लिखा है, ठीक है? तो आपको सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये नहीं देखना है, आपको बस ज़ीरो वन टू थ्री फोर और फाइव ये देखना है, और ज़ीरो से वन के बीच में कितने डिवीज़न हैं, ज़ीरो से वन के बीच में आपको डिवीज़न मिलेंगे टेन, और इसके ऊपर भी टेन टेन डिवीज़न्स होते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये कुल मिला के 50 डिवीज़न्स होते हैं। तो अब रीडिंग ले लेते हैं जल्दी से, तो इसे क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद में अब हमें देखना है ज़ीरो के, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो दिखाई दे रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंफ्यूज होने की, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, इसके जस्ट पहले या बिल्कुल सामने, जस्ट पहले या बिल्कुल सामने कौन सी रीडिंग मेन स्केल की आ रही है वो हमें देख लेना है बस। तो देखो यहाँ पे, आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको मुझे जो रीडिंग दिखाई दे रही है बता दे रहा हूँ आपको, ये वाली रीडिंग जस्ट बाद में है। तो ये कौन सी है, सिक्स पॉइंट, ये फाइव है, फाइव के बाद ये सिक्स है, तो ये एट से जस्ट नीचे वाली लाइन इससे नीचे है, तो ये हो गई 5.75। मेन स्केल रीडिंग नोट कर लीजिए, 5.75। अब मेन स्केल रीडिंग हो गई, तो अब हम वर्नियर स्केल पे आते हैं। वर्नियर स्केल पे देखिए, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कौन साइड कर रहा है, और वर्नियर स्केल के कई डिवीज़न आपको कौन साइड करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट पॉसिबल करना है कि कौन सा कौन साइड कर रहा है कि हमें लग जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो डिवीज़न है, ये वाली लाइन कौन साइड कर रही है, ये वाली लाइन कौन साइड कर रही है, तो ये कौन सा है, ये जस्ट 10th लाइन है, यहाँ से ज़ीरो के बाद हम देखेंगे तो इस पर 10th लाइन है। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इज़ 10, तो इसको भी नोट कर लीजिए, वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग। तो इसे हम एक्चुअल लेंथ निकाल के देखते हैं। इसमें हमारा मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 5.75, और वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग है वो है 10। तो अब हम ये जो, इसको हम R1 रीडिंग मानेंगे। तो ये R1 निकालने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट है 1.0001 सेंटीमीटर। तो R1 निकाल लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग 5.75 प्लस 10 इंटू लीस्ट काउंट 0.001, तो यह आ गया 5.75 प्लस
0.01, तो R1 आ गया हमारा 5.76 सेंटीमीटर।